यूपी के बांदा जिले में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस का दावा है कि नगर निकाय चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस फैक्ट्री में असले बनाए जा रहे थे। फैक्ट्री बबेरू क्षेत्र के जंगल में चल रही थी। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 21 देसी तमंचे, एक राइफल, बंदूक बनाने का सामान और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। यूपी के इटावा में कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मकान से पुलिस ने 4 लाख रुपए की कीमत की 250 पेटी शराब बरामद की। आरोपियों की निशानदेही पर मकान से भारी मात्रा में शराब की बोतलों के ढक्कन और होलोग्राम भी मिले। पुलिस ने शराब माफियाओं के पास से DCM ट्रैक्टर सहित 3 अन्य 4-पहिया वाहन भी जब्त किए। यूपी के देवरिया में रेलवे ट्रैक पार करते समय व्यक्ति ट्रैक पर गिर गया और उसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई। बावजूद इसके उस व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगी। बनकटा रेलवे स्टेशन पर एक युवक ट्रेन पकड़ने के लिए पटरियों पर चलकर ही दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहा था। इस दौरान एक मालगाड़ी आ गई, जिससे बचने के लिए युवक पटरियों पर ही लेट गया। पूरी ट्रेन गुजर गई और युवक सुरक्षित बच गया। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले की जिलाधिकारी ने गरीब परिवारों के लिए कलेक्ट्रेट में कपड़ा बैंक की स्थापना की है। कपड़ा बैंक के संचालन की जिम्मेदारी महिला कल्याण विभाग को दी गई है। DM डॉक्टर सारिका मोहन के इस अभियान को समर्थन देने के लिए इलाके के लोग भी कपड़े जमा कर रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में थाना बेहट क्षेत्र में बाइक पार्किंग के विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट और पथराव हुआ। इस घटना में दोनों गुटों के आधा दर्जन लोग घायल हुए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। यूपी के मैनपुर में कुरावली थाना क्षेत्र के पास GT रोड पर एक कार में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करते समय आग लग गई। आग इतनी बड़ी थी कि थोड़ी देर में पास में बने गोदाम को चपेट में ले लिया। 1 घंटे से अधिक समय के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पंजाब के मानसा कस्बे में 3 युवकों ने पुलिस के डर से ट्रेन से छलांग लगा दी, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा नौजवान गंभीर रूप से घायल है। तीनों युवक तूफान एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। आरोप है कि पुलिस ने तीनों नौजवानों को डराया कि उनके पास कोई नशीला पदार्थ है और पुलिस से बचने के लिए तीनों ने ट्रेन से छलांग लगा दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के जालंधर पठानकोट हाईवे पर भोगपुर के पास एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कार सवार युवकों को पीछे से आ रही किसी तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कार पलटकर सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गई। पंजाब के संगरूर जिले में पुलिस ने नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 400 लीटर नकली दूध और बड़ी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान बरामद किया। पुलिस का दावा है कि आरोपी नकली दूध तैयार कर इसे बाजार में असली दूध बताकर महंगे दामों पर बेच देते थे। पिछले साल भी पुलिस ने इसी फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में नकली दूध बरामद किया था।